इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 32। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 32। सनहेरिब की सेना की चढ़ाई और निवास। इन बातों और ऐसे प्रबंध के बाद अश्शूर का राजा सनहेरिब ने आकर यहूदा में प्रवेश कर और गढ़वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उनको अपने लाभ के लिए लेना चाहा। यह देखकर कि सनहेरिब निकट आया है और यरूशलेम से लड़ने की मंशा करता है, हिजकिय्याह ने अपने हाकिमों और वीरों के साथ यह सम्मति की कि नगर के बाहर के सोतों को पटवा दे, और उन्होंने उसकी सहायता की। इस पर बहुत से लोग इकट्ठे हुए और यह कहकर कि अश्शूर के राजा क्यों यहां आए और आकर बहुत पानी पाए, उन्होंने सब सोतों को पाट दिया और उस नदी को सुखा दिया जो देश के मध्य होकर बहती थी। फिर हिजकिय्याह ने हियाव बांधकर शहरपनाह जहां कहीं टूटी थी वहां वहां उसको बनवा दिया और उसे घुम्मटों के बराबर ऊंचा किया और बाहर एक और शहरपनाह बनवाई और दाऊदपुर में मिल्लों को दृढ़ किया और बहुत से तीर और ढाले भी बनवाए। तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौकों में इकट्ठा किया और यह कहकर उनको धीरज दिया कि हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम न तो अश्शूर के राजा से डरो और न उसके संग की सारी भीड़ से, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है, अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। इसके बाद अश्शूर का राजा सनहेरिब, जो सारी सेना समेत लाकीश के सामने पड़ा था, उसने अपने कर्मचारियों को यरूशलेम में यहूदा के राजा हिजकिय्याह और उन सब यहूदियों से जो यरूशलेम में थे यो कहने के लिए भेजा कि अश्शूर का राजा सनहेरिब कहता है कि तुम्हें किसका भरोसा है जिससे कि तुम घेरे हुए यरूशलेम में बैठे हो? क्या हिजकिय्याह तुमसे यह कहकर कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको अश्शूर के राजा के पंजे से बचाएगा तुम्हें नहीं भरमाता है कि तुमको भूखो प्यासो मारे? क्या उसी उज्जियाह ने उसके उच्च स्थान और वेदियां दूर करके यहूदा और यरूशलेम को आज्ञा नहीं दी कि तुम एक ही वेदी के सामने दंडवत करना और उसी पर धूप जलाना? क्या तुमको मालूम नहीं कि मैंने और मेरे पुरखाओं ने देश के सब लोगों से क्या क्या किया है? क्या उन देशों की जातियों के देवता किसी भी उपाय से अपने देश को मेरे हाथ से बचा सके? जितनी जातियों का मेरे पुरखाओं ने सत्यानाश किया है उनके सब देवताओं में से ऐसा कौन था जो अपनी प्रजा को मेरे हाथ से बचा सका हो? फिर तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से कैसे बचा सकेगा? अब हिजकिय्याह तुमको इस रीति भुलाने अथवा बहकाने न पाए और तुम उसकी प्रतीति न करो, क्योंकि किसी जाति या राज्य का कोई देवता अपनी प्रजा को न तो मेरे हाथ से और न मेरे पुरखाओं के हाथ से बचा सका। यह निश्चय है कि तुम्हारा देवता तुमको मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। इससे भी अधिक उसके कर्मचारियों ने यहोवा परमेश्वर की और उसके दास हिजकिय्याह की निंदा की। फिर उसने ऐसा एक पत्र भेजा जिसमें इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की निंदा की ये बातें लिखी थी कि जैसे देश देश की जातियों के देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचाया, वैसे ही हिजकिय्याह का देवता भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। और उन्होंने ऊंचे शब्द से उन यरूशलेम वासियों को जो शहरपनाह पर बैठे थे यहूदी बोली में पुकार कर कि उनको डराकर घबराहट में डाल दे जिससे नगर को ले ले, और उन्होंने यरूशलेम के परमेश्वर की ऐसी चर्चा की मानो पृथ्वी के देश देश के लोगों के देवताओं के बराबर हो जो मनुष्यों के बनाए हुए हैं। तब इस घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दोहाई दी।
तब यहोवा ने एक दूत भेजा जिसने अश्शूर के राजा की छावनी में सब शूरवीरों प्रधानों और सेनापतियों को नाश किया और वह लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। और जब वह अपने देवता के भवन में था तब उसके निज पुत्रों ने वही उसे तलवार से मार डाला। यहोवा ने हिचकिया और यरूशलेम के निवासियों को अश्शूर के राजा सन्हेरीब और अपने सब शत्रुओं के हाथ से बचाया और चारों ओर उनकी अगुवाई की। और बहुत लोग यरूशलेम को यहोवा के लिए भेंट और यहूदा के राजा हिचकिया के लिए अनमोल वस्तुएं ले आने लगे और उस समय से वह सब जातियों की दृष्टि में महान ठहरा। हिचकिया का उत्तम चरित्र। उन दिनों हिचकिया ऐसा रोगी हुआ कि वह मरा चाहता था। तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और उसने उससे बातें करके उसके लिए एक चमत्कार दिखाया, परंतु हिचकिया ने उस उपकार का बदला न दिया क्योंकि उसका मन फूल उठा था। इस कारण उसका कोप उस पर और यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तब हिचकिया यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया, इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिचकिया के दिनों में न भड़का और हिचकिया को बहुत ही धन और विभव मिला और उसने चांदी सोने मनियों सुगंध द्रव्य ढालों और सब प्रकार के मनभावने पात्रों के लिए भंडार बनवाए। फिर उसने अन्न नया दाखमधु टक्का तेल इसके लिए भंडार और सब भांति के पशुओं के लिए थान और भेड़ बकरियों के लिए भेड़शालाएं बनवाई और उसने नगर बसाए और बहुत ही भेड़ बकरियों और गाय बैलों की संपत्ति इकट्ठी कर ली क्योंकि परमेश्वर ने उसे बहुत ही धन दिया था। उसी हिचकिया ने गिहोन नाम नदी के ऊपर के सोते को पाट कर उस नदी को नीचे की ओर दाऊदपुर की पश्चिम अलंग को सीधा पहुंचाया और हिचकिया अपने सब कामों में कृतार्थ होता था। तभी जब बाबिल के हाकिमों ने उसके पास उसके देश में किए हुए चमत्कार के विषय पूछने को दूत भेजे तब परमेश्वर ने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उसको परख कर उसके मन का सारा भेद जान ले। हिचकिया के और काम और उसके भक्ति के काम आमोस के पुत्र यशायाह नबी के दर्शन नाम पुस्तक में और यहूदा और इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। अंत में हिचकिया अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको दाऊद की संतान के कब्रिस्तान में चढ़ाई पर मिट्टी दी गई और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने उसकी मृत्यु पर उसका आदरमान किया और उसका पुत्र मनश्शे उसके स्थान पर राज्य करने लगा।